गुरुवार को माँ कृष्ण पक्ष संकट हरण गणेश चतुर्थी को चौबियापाड़ा के गुजरहट्टा क्षेत्र स्थित विघ्नहर्ता भगवान दसभुजी गणेश मंदिर पर संकट चतुर्थी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रीजी पीठाधीश्वर 108 श्री ठाकुर जी बाबा महाराज के सानिध्य में आचार्य मनीष बाबा और कपिल बाबा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान दसभुजी गणेश जी का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके उपरांत गणेश जी को चोला चढ़ाकर श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। इस आयोजन के संबंध में मनीष बाबा ने बताया कि संकट हरण गणेश चतुर्थी का पूजन करने से मानव जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं तथा इन सभी के उपरांत सायकाल में मंदिर में भव्य फूल बंगला सजाया जाएगा और महाआरती के उपरांत गणेश जी को विश्राम दिया जाएगा। देखिए परम पुनीत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट हरण चतुर्थी की संज्ञा दी गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। एक बार जब युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आपके होते हुए भी हम इतने कष्ट पा रहे हैं और नाना प्रकार से शत्रुओं से हम ग्रसित भी हैं, तो इससे निवृत्ति का आप हमें कृपा कर उपाय बताएं। भगवान ने धर्मराज जी से कहा कि धर्मराज आप संकष्ट हरण चतुर्थी का व्रत करें और पांचों पांडव करें, विधि से इसकी पूजा करें, इसके नियम संकल्प मात्र से ही समस्त संकट एवं विघ्न दूर हो जाते हैं। विशेष करके ये व्रत स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए कि जिससे संतति की रक्षा हो। तो भगवान ने इसकी विधि बताई कि इसमें तिल के लड्डुओं का प्रसाद लगाएं, प्रातः काल द्यौत वस्त्र धारण कर शुद्ध होकर आचमन आदि करके महागणपति भगवान का पूजन अर्चन करें और रात्रि में भगवान महागणपति की आराधना करके प्रसाद लें। इसी के तदनंतर हम आपके माध्यम से एक विशेष बात और आपको बताना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि भगवान गणेश की सर्वत्र पूजा होती है। कोई भी कार्य हो उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है। सर्वत्र भारतवर्ष एवं बाहर चतुर्भुजी गणेश की पूजा सर्वविदित है। ये दुर्लभ स्वरूप केवल यहाँ विराजमान है जो मथुरापुरी को धन्य कर रहा है। आप स्वयं श्री शीलचंद्र जी महाराज का ही वांग्मय विग्रह स्वरूप यहाँ विराजमान है, जो कि आज से करीब 250 वर्ष पूरे श्री जी पीठ पर आप आसीन हुए थे और आप श्री के 10 भुजा स्थापित हैं, महालक्ष्मी जंघा पर विराजमान है। तो ये भगवान महागणपति हैं, जिनके 4 भुजा हो उन्हें गणेश कहते हैं और जिनको 10 भुजा हो उनको महागणपति कहते हैं।